Very good morning, students. Once again, we are in our history lecture. Okay, so just to give a recap, we had started with our political science chapter 1, that was introduction to the parliamentary system. Okay, now what did we learn that day in this? How our parliamentary system is, हमने वो देखा था. क्यों है हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हम जानना चाहते थे इसके द्वारा, इस लेसन के द्वारा. फर्स्ट, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड, इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर बट व्हाई देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट वी विल बी आंसरिंग एंड डीलिंग विद इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Now, first thing that we had learnt was what is a parliamentary system of government. So, उसमें हमने क्या देखा था? Parliamentary system of government is, first point was, what are the characteristics? That is, parliamentary system is a system of governance. The legislature of the central government is known as the parliament. Okay? तो यानी जो एक legislature होता है, जो हमारा संविधान होता है, वो main एक बेस हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर, जो हमारा पार्लियामेंट बनता है. द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. यानी तीन हिस्सों में बटे हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है. पहला होता है प्रेसिडेंट, फिर दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा. अब ये लोकसभा के मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जो हमारे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, जैसे अभी 2014 में हुए और अभी 2019 में हुए, तो उसमें क्या हुआ, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, हम चुन के ले आते हैं, हमारे लीडर्स को हम चुन के लेके आते हैं. सो द मेंबर्स, और ये होते हैं लोकसभा के मेंबर्स. तो लोकसभा के मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स्ड. अब ये फिक्स नंबर के हाउस है होता है इनके, यानी फिक्स्ड सदस्य होते हैं. देन द इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज आफ्टर एवरी 5 years. अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई इमरजेंसी इलेक्शंस करने की नौबत ना आए, तो ये हर 5 साल के इंटरवल्स में रेगुलरली होते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दिस इलेक्शंस. द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स is considered as the majority party, and the majority party forms the government. अब हमने जैसे देखा, मैंने आपको example भी दिया था पिछली बार, जैसे अभी अभी 2014 में भी और 2019 के elections में भी जो party उभर कर आई है ज्यादा तादाद में, majority में, वो है बीजेपी. तो इसलिए हम देखते हैं कि center में आज जो सरकार है वो मोदी जी की government है, जो बीजेपी के कैंपेन से, जो बीजेपी के ग्रुप से आते हैं या उनकी पार्टी से आते हैं. समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी एंड दे कैन एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट. अब जैसे मैंने कहा था पिछली बार भी, एंड दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट. जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब सब किसी एक को, जैसे अभी हम मैंने एग्जांपल दिया था महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में इस बार किसी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उन्होंने क्या किया, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर उन्होंने एक अघाड़ी अघाड़ी जो पार्टी बनाई है, यानी अघाड़ी यानी उन्होंने कोएलिशन, इसको इंग्लिश में बोलते कोएलिशन, यानी दो तीन पार्टियां इकट्ठे आकर अपना मेजोरिटी फॉर्म करती है और फिर गवर्नमेंट बनाती है. इन दिस वे the candidates directly elected by the people become members of the legislature and the party in majority gets a chance for the to form the government. Fir humne dekha what is another characteristics, the leader of the majority party becomes the prime minister. He or she selects candidates for ministerial positions from among his her colleagues. Ab jaise humne dekha कि जो मेजोरिटी, अब जैसे मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी जो है वो पूरे मेजोरिटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ इलेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से उसके जो कैंडिडेट थे मोदी जी, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर.
और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने टीम मेंबर्स को, बीजेपी के बाकी सदस्यों को डिसाइड करते हैं कि वो कौन कौन से, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह को बनाया, सीतारमणी को उन्होंने डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर राजनाथ सिंह को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया। तो इस तरह से वो अपने पार्टी से मेंबर्स को चुनते हैं कौन कौन से मिनिस्टरियल पोजीशंस के लिए होना है। देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से, एक होता है मेन एग्जीक्यूटिव जो क्या करता है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट यानी लागू करता है, जो कानून होते हैं उसको लागू करते हैं। एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी सिर्फ उनके एग्जीक्यूटिव तक ही सीमित नहीं होती है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर के भी सदस्य होते हैं, इसलिए उनकी जो जिम्मेदारी है उनके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति भी है, जिनको उनको निभाना पड़ता है। देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल द एक्शंस एंड पॉलिसी। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने पिछली बार भी आंसर किया था, व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन कई बारी आता है एग्जाम के लिए। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल द एक्शंस एंड पॉलिसीज। दैट्स व्हाई इट आल्सो मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। वो अपने अलग से कोई काम नहीं कर सकते, उनको लेजिस्लेचर के साथ साथ ही काम करना पड़ता है, वो अपने तरीके से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। इस वजह से उसको कहते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन था मैं येलो बॉक्स में, व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। देन नाउ डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्टर डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कोई भी मिनिस्टर हो, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, मैंने पिछली बार भी बताया, तो वो अपने इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं लेते हैं कोई भी डिसीजन कि चलो मैं अकेला ही फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं अकेला ही डिसीजन लूंगा। नहीं, मैं क्योंकि वो इनका सदस्य है मिनिस्टर, यानी ये डिपार्टमेंट के हिस्सा है, एक लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, तो उनको हर चीज में, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, उनको आपस में बातचीत करके तालमेल बिठा के उनको ये चीजें करनी पड़ती है, डिसीजन लेनी पड़ती है। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी अगर जैसे अगर कोई आर्म्स एंड एमिनेशंस खरीदने हो, जैसे अभी हमने राफेल खरीदे हाल ही में, तो ये नहीं होता है कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर अकेले चला जाएगा डिसीजन लेकर, वो क्या करेगा, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी बातचीत करेगा, क्या हमारे पास इतने पैसे, क्या हम कैसे कर सकते हैं, और ये दोनों जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास जाकर वो अपनी बात रखेंगे और फिर वो उनको समझाएंगे और फिर आपस में सबके सहयोग से वो डिसीजन लिया जाएगा। देन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। दिस मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। अब जो लोकसभा में बाकी जो लेजिस्लेचर में उनके सारे जो मेंबर्स है सबकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर मानो कि कोई भी उनके काम से सहमत नहीं है या उनके काम करने के तरीकों से वो खुश नहीं है या उनको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है, वो लेजिस्लेचर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन दे सकता है। अगर मेजोरिटी में पाया गया कि बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट है या इनके विचारों से सहमत नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को बदल भी सकती है, गिरा भी सकती है। इस वजह से दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इज एन इफेक्टिव टूल इन कीपिंग इन चेक ओवर द गवर्नमेंट। अब जैसे हम एग्जीक्यूटिव, जैसे हम कहते हैं कि कभी भी अगर मानो क्लासरूम में भी किसी को मॉनिटर बनाया हो, ठीक है, अगर उसको टीचर ने चलो ये तो पावर दी है
वो क्लास को माइंड करें, वो हर देखें कि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है टीचर के एब्सेंस में, वो सारी चीजें तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो अपनी मनमानी कर सकता है। वो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर को लगा ये अपने मॉनिटर होने का कोई दुरुपयोग कर रहा है अपने पार का, या अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको नो कॉन्फिडेंस यानी निकालने का हक एक टीचर को जैसे है, बस ठीक उसी तरह लेजिस्लेचर में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको निकाल सकते हैं या बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस वजह से जो होता है, जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक नियंत्रण रहता है और वो अपना काम ठीक से करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरी गुड इफेक्टिव टूल। ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सोवरेनिटी ऑथोरिटी ऑफ द पीपल, इट इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम बॉडी। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो क्योंकि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के द्वारा चुने उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह लोगों का नियंत्रण रहता है, सोवरेनिटी रहती है, लोगों की जो अथॉरिटी रहती है, इस वजह से उसको एक सुप्रीम बॉडी माना जाता है। ठीक है, सो देन नाउ वी विल कम टू व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने ये सेकंड पॉइंट में देखा कि उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है और यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट है अमेरिका के। सो क्यों, सो इसमें इसके द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा हम जानेंगे ये सब। इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजंस। द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। Indians were familiar to this system of government. Many discussions took place in the Constitution, Constituent Assembly over the system of government. The framers of the Constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. अब इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट की? अब देखो, जैसे इंडिया जब फ्री हो गया था तो क्या हुआ, इंडिया के पास कोई एक प्रॉपर रोड मैप नहीं था, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं था, एक ढांचा नहीं था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने, चलो आजादी तो मिल गई, लेकिन हम उसको देश को चलाएंगे कैसे, हमें पता ही नहीं। क्योंकि तब तक 150 साल ब्रिटिशरों ने हम पे ऑलरेडी राज किया हुआ था, तो हमारे पास उनके तौर तरीके, उनकी एक गाइडलाइंस थी, उनके उनके रूल्स थी कि वो कैसे अपना अपने देश को चलाते थे, हमारे भी चलाते थे। तो क्योंकि हमने और किससे सहायता ले पाएंगे, तो तभी जो लॉर्ड चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, उनसे और ऐसे कई सारे जो लोग थे उनसे इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने सहायता ली ब्रिटिशरों से, कि क्योंकि ब्रिटिश में लंदन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलता था, तो उनके हिसाब से हमने सोचा चलो हम भी उसी के आधार पे हमारी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम रखते हैं। और इस वजह से क्या होता है, एक लोगों के हाथ में पावर आती है, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑलरेडी मिल गई थी, तो फिर से हम किसी क्या बोलते हैं, तानाशाही के अंडर, डिक्टेटर के अंडर हम फिर से गुलामी नहीं कर सकते थे। तो अगर हमें आजादी चाहिए, हमारी सोच को आजादी चाहिए, हमारे लोगों के विचार विचारों को अगर तवज्जो देने चाहिए, अगर हम क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है, तो हमें इस फ्रीडम को सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही मिल सकती है। और इंडिया को इससे वो वाकिफ थे ऑलरेडी, फेमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मेनी डिस्कशंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम। ओके, इसके बारे में काफी विचार विमर्श कर लिया गया। डिस्कशंस एंड डेलिबरेशंस आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिस्कशंस यानी बातचीत, एंड डेलिब्रेशन यानी छूट जो बोलते हैं, तो एक जो छूट दी जाती है उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन।
ये जो एक विचार विमर्श और जो ये सोच या बोलने की जो छूट होती है बहुत सारी चीजों में, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, तो ये चीजें सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही मिल सकते हैं। ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का अगीन अंग है, तो इंटेग्रल यानी उसी का एक हिस्सा है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर। अब कोई भी पब्लिक वेलफेयर का है, क्योंकि लोगों के द्वारा बात रखी जाती है, लोगों के विचार रखे जाते हैं, इसलिए क्या होता है जो पब्लिक वेलफेयर की जो क्वेश्चन है वो ये लेजिस्लेचर में डिस्कस की जाती है। मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। जो मेंबर्स है ऑपोजिशन पार्टी के, वो भी इस डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि सिर्फ जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, लेजिस्लेचर का वो एक हिस्सा होते हैं, दूसरा हिस्सा ऑपोजिशन होता है। अब जब भी हम देखते हैं कि जहां पे अगर डिबेट होनी हो, या अगर हम सिर्फ एक ही तरफा बात रखकर नहीं हो सकती है ना, इस वजह से दोनों पहलुओं को, तो ये दोनों पहलू क्या होता है, एक होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है ऑपोजिशन पार्टी जो नहीं जीत सकता है। अब जैसे मानो बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है फिलहाल, उनकी गवर्नमेंट है, तो उनके अगेंस्ट जो बाकी के होते हैं, वो एनसीपी के हो, कांग्रेस के हो, या दूसरे जो, वो सारे जो नहीं गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो बन जाते हैं ऑपोजिशन पार्टी। यानी अगर कुछ भी ये जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी जो रूलिंग पार्टी है डिसीजन लेती है, अगर उनको उसमें कोई शक है या उनको कोई संदेह है या उनको लगता है कि शायद ये सही नहीं, तो वो सवाल जवाब करेगी और उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब रूलिंग पार्टी को देना होगा कि वो कोई चीज क्यों कर रही है, कोई नीतियां क्यों लागू कर रही है, कोई जो लॉ है या कोई भी ऐसे जो है वो क्यों लेके आती है। तो उनको इस चीज के बारे में प्रॉपरली उनको संतुष्ट होने वाले जवाब देने पड़ेंगे, या वो क्यों ये कर रहे हैं उसका उनको बताना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो तालमेल बैठ जाएगा। अगर ऐसे हो कि चलो मेरे पास कोई सवाल है लेकिन उसका कोई मुझे जवाब ही नहीं मिला, बस कोई कह दे मैंने कह दिया तो करना है, ऐसे नहीं कर सकते ना। इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये ओपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जब अप्रोप्रिएट, यानी जब भी सही लगे वो उनको सपोर्ट भी करेंगे, एंड पॉइंट आउट स्ट्रॉन्ग शॉर्टकमिंग्स इन पॉलिसीज एंड लॉज। पॉइंट आउट यानी वो दिखाएंगे भी, दर्शाएंगे भी अगर कोई गलती कहीं हो रही है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है गलतियां, कहीं भी वो चूक रहे हैं तो वो उसको नीतियां बनाने में या जो भी न्याय के बारे में लाने के लिए कोई भी चीजें अगर चूक रहे हैं तो वो उसके बारे में बताएंगे। पुट अप स्टडीड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस। वो आर्ग्यूमेंट्स यानी वो बहस भी करेंगे, उसके ऊपर सवाल भी उठाएंगे। दिस हेल्प्स द लेजिस्लेचर टू मेक प्रॉपर लॉज। ये जो है इस वजह से जो है लेजिस्लेचर हमेशा सही नीतियां, सही जो है लॉज एंड जस्टिस करेंगी। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे हम देखते हैं, ये हमने सीखा सब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है वो बताएंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट लोगों द्वारा नहीं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम लोग जो होते हैं लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, और जैसे हमने बाकी भी चीजें अभी देखी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में वो सारी चीजें होती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपनाता है प्रेसिडेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट खुद एक एग्जीक्यूटिव होता है एंड वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर लेजिस्लेचर का कोई दबाव नहीं होता है, एंड ही इज द इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, उसके ऊपर लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होता है। एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट
और वो किसी भी स्टेट यानी कंट्री, इधर स्टेट डजंट मीन कि एक छोटा सा स्टेट जैसे महाराष्ट्र है या बिहार है या कश्मीर हो है या गुजरात है, बट यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, वो होता है हेड ऑफ द कंट्री, इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अब यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं. सच अ सिस्टम इज नोन एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. दो द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, देर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन. अब इनके बीच में दो दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये जो तीन ऑर्गन्स होती हैं उसकी ये अलग होती हैं, लेकिन इनके बीच में ऐसे रिश्ता होता है कि वो एक दूसरे से तालमेल, हार्मनी यानी तालमेल बिठा के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब इसकी जो फीचर्स क्या है, दिस आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इसकी क्या फीचर्स है? इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर ये जैसे राइट द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा कि वहां पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली या लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट हियर द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. इन विच फॉर्म? इन द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव. वहां पे हु इज द एग्जीक्यूटिव? द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव वहां पे. तो हियर द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड एंड हैज लॉट ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज. अब जैसे हमारे यहाँ भी है प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे पावर्स होते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट सिस्टम फॉर्म फॉलो करते हैं जैसे अमेरिका, वहां पे प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स है इंक्लूडिंग पावर्स टू इम्प्लीमेंट लॉज. अगर वो कोई भी लॉ की कोई बातें हो, न्याय की या कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रिलेटेड कोई चीज हो, तो डायरेक्टली उसको वो पावर होती है जो वो उसको लागू कर सकते हैं. ठीक है, देन इन स्पाइट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर. अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है कि दो दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके बावजूद लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं, चेक ऑन ईच अदर यानी नजर रख सकते हैं. जबकि हमारे यहाँ कौन होता है, जो वो ऑपोजिशन के होते हैं, जो बाकी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो चेक करते हैं, नजर रखते हैं इनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर. दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अब जैसे हमने देखा वहां पे लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो एक दूसरे से तालमेल बिठा के एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स आपस में साथ में काम कर कर वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो एक क्या बोलते हैं अहम रोल है वो निभाते हैं. जबकि यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर नजर रखकर चेक कर कर वो आपस में तालमेल बिठाकर वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट आर फॉलोड इन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा. सेवरल कंट्रीज ओइंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है कि दुनिया में सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही है. बहुत सारे कंट्रीज, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एक्सेट्रा,
वो अपने तरीके से जो उनकी यूनिक है, जो उनकी जो यूनिक सर्कमस्टेंसेस यानी उनकी जो स्थिति है, देश की स्थिति है, चाहे वो ज्योग्राफिकल रीजंस हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, चाहे उनकी जो सोच समझ या उनकी जो एक कल्चर जैसे है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से अपना अपना गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेन ये तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको बहुत जगहों पे मिलेंगे। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि हमारा इंडिया हो या लंदन हो, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म करता है, एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। देन अगर हम देखते हैं, एक होता है तीसरा, हम ये भी जानते हैं जैसे कम्युनिस्ट होती है, जैसे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये एक कम्युनिस्ट में फॉलो करते हैं, धारा रखते हैं, वैसे उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ पे लोग समझते हैं कि जो कुछ है वो गवर्नमेंट का है, वो हमारा तुम्हारा ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे ऐसे नहीं होता है ये घर मैं मेरे नाम से लूंगा या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से करूंगी, ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे होता है कि जो भी है तुम देश के लिए, तुम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उधर के, तुम उनके लिए काम कर रहे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो उनको कमा के, और वो जो प्रॉफिट है वो सब में वो बांटेंगे बराबर से। कोई अमीर गरीब का उन लोग वहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं तुमने मेहनत की तो तुम ही खाओगे, तुमने नहीं की तो तुमने, सब मेहनत करेंगे और सब देश के लिए करेंगे। तो ये होता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो रशिया या उसको एक तरह से तानाशाही भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे किसी को आजादी नहीं है बोलने के लिए, वहां पे किसी को अपने विचार अगर वो नहीं मानता है, सहमत नहीं है, तो उनको वहां पे बहुत बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। तो ये एक तरह से तानाशाही होती है, तो ये इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ फाइनली कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट वी विल स्टडी, वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। नाउ लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, मैं अगली बार आप लोगों को नोट्स दूंगी इसके, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद से कोई अटेम्प्ट करें, जैसे ये करेक्ट ऑप्शन जो भी है, 1, 2 फिलिंग द ब्लैंक जो भी है, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स देती हूँ प्लीज स्टडी ऑलवेज, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा से ही आता है। तो एक दो जो मैं आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दूँ या ट्रू और फॉल्स, जनरली मैं क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा नहीं देती हूँ, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स एक्स्ट्रा देती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप पढ़ लो, दैट इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मुझे नोट्स अभी काफी लोगों के अभी तक आने बाकी हैं, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आफ्टर आई कंप्लीट, नाउ मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर खत्म हुआ है मेरा, एंड नेक्स्ट टाइम मैं नोट्स दूंगी, उसके बाद मैं थर्ड लेसन से शुरुआत करूंगी हिस्ट्री के। जैसे ही मेरा थर्ड लेसन हो जाता है कंप्लीट और फर्स्ट लेसन पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है, ये इनके मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज वॉट एवर, सो 1, 2, 3 हिस्ट्री के एंड 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के, ये जो है वो मैं आप लोगों के टेस्ट लूंगी। तो प्लीज रीड थरो, रिवाइज, और अपना काम जो भी है मुझे सबमिट करो जल्द से जल्द, और फिर वो जो मार्क्स है वो आपको इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स में जोड़े जाएंगे जो भी ये टेस्ट में दूंगी। सो प्लीज प्रिपेयर रहना, ये मत कहना वो मिस ने बताया नहीं, मैं बहुत एडवांस में बोल रही हूँ, अभी सिर्फ इसका ये हो चुका है फर्स्ट लेसन सिविक्स का, उसके बाद मैं नोट्स दूंगी, फिर मैं थर्ड लेसन सिखाऊंगी, थर्ड लेसन के भी मैं नोट्स दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट। तो आपके पास लगभग एटलीस्ट 2 हफ्ते का टाइम है मिनिमम, तो प्लीज आई वॉन्ट यूर टू स्टडी, रिवाइज, कीप योर नोट्स इन ऑर्डर, और मुझे प्लीज पोस्ट करना। जिसके नोट्स मुझे नहीं मिलेंगे, होमवर्क नहीं मिलेगा, मैं उनको इंटरनल के मार्क्स नहीं दूंगी और साथ में एबसेंट भी मार्क करूंगी। इज दैट क्लियर? तो विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।